दोस्तों बच्चन परिवार की बहू यानी एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन यूं तो हर कंट्रोवर्सी से बचने की कोशिश करती रहती हैं, लेकिन हाल ही में जो खबर सामने आई है उसे सुनकर उनके फैंस काफी हैरान रह गए हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन को पनामा पेपर्स में ईडी ने समन भेजकर दिल्ली में बुलाया था, जिसके बाद उनसे घंटों पूछताछ की गई ईडी दफ्तर में बैठकर। जी हां दोस्तों, सोर्सेस की माने तो ईडी ने ऐश्वर्या राय के लिए सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट पहले से तैयार कर रखी थी। इससे पहले पनामा पेपर्स लीक मामले में बच्चन परिवार का नाम पहले ही सामने आ चुका था, जब ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। ईडी की एचआईयू इस मामले की जांच कर रही है। यही वजह है कि पनामा पेपर लीक मामले में जब ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम आया तो ईडी ने उन्हें तुरंत समन भेज कर दिल्ली पूछताछ के लिए बुलाया। ऐश्वर्या राय बच्चन दिल्ली आई और उनसे घंटों पूछताछ की ईडी ने। इसके बाद वो अपने घर के लिए मुंबई रवाना हो गई। ऐश्वर्या राय बच्चन से पहले अभिषेक बच्चन भी ईडी के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अधिकारियों को सौंपे। रिपोर्ट्स की माने तो जल्द ही अमिताभ बच्चन को भी ईडी का नोटिस मिलेगा और उन्हें भी बुलाया जाएगा। जी हां दोस्तों, पूरा बच्चन परिवार कानूनी पचड़े में फंसता नजर आ रहा है और वजह है पनामा पेपर्स लीक मामला, जिसमें पूरे बच्चन परिवार का नाम आया है और इसमें सबसे पहले ऐश्वर्या राय बच्चन को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया और ईडी दफ्तर में ऐश्वर्या राय बच्चन से घंटों पूछताछ की अधिकारियों ने। दरअसल साल 2016 में ब्रिटेन में पनामा की लॉ फर्म के 1.5 करोड़ टैक्स डॉक्यूमेंट लीक हुए थे। इसमें दुनिया भर के बड़े नेताओं, कारोबारियों और बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए थे। इस केस में भारत की बात करें तो देश के करीब 500 लोगों के नाम इस लिस्ट में सामने आए थे। इससे पहले पनामा पेपर्स लीक मामले में ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन को 9 तारीख को भी अंडर सेक्शन 37 फेमा के तहत समन किया था। ये समन मुंबई में बच्चन परिवार के आवास पर भेजा गया था, जिसमें उन्हें 15 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया था। सोर्सेस की माने तो इसका जवाब ऐश्वर्या राय बच्चन ने ईमेल के जरिए ईडी को दिया था और यही वजह है कि ईडी के समन के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन दिल्ली आई ईडी के दफ्तर और उनसे घंटों पूछताछ की ईडी के अधिकारियों ने, जिसके बाद वो मुंबई वापस लौट गई हैं।